वर्तमान में फैल रही वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से हो रही जनहानि को देखते हुए बागली एसडीएम अरविंद चौहान और जनपद सीईओ अमित कुमार व्यास ने मोर्चा संभालते हुए बागली अनुविभाग अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित गांव में डोर टू डोर कोविड-19 का सर्वे करने के लिए 6 टीम गठित की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल की गई है, जिसमें टीम द्वारा परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर चिन्हित किया जाएगा, जिस पश्चात संबंधित व्यक्ति को मेडिसिन किट घर पहुंचाया जाएगा। चापड़ा पंचायत भवन पर टीम के सदस्यों को समझाइश देकर रवाना किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। काफी बीमारियों का रूप देखा जा रहा है, तो आज आपके द्वारा यहां पर टीम गठित की गई है, तो क्या है पूरा रूप? आप जैसे जानते हैं कोविड से पूरा जिला त्राहिमाम है और बागली अनुभाग में भी काफी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। चापड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी लगातार प्रकरण सामने आ रहे हैं। चापड़ा चूंकि आप देख ही रहे हो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है, लगातार यहाँ पर पॉजिटिव केस निकल रहे हैं और इसी में हमने ऊपर अधिकारियों से चर्चा करके जो है एक हेल्थ स्क्रीनिंग दलों का गठन किया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी हमने प्रत्यक्ष दल बनाया है, जिसमें MPW, NM, आशा कार्यकर्ता, सचिव का एक दल गठित किया है जो जाके हेल्थ स्क्रीनिंग करेगा और जो भी जिनमें भी अगर किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। इसी तारतम्य में आज हाट पिपलिया से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाट पिपलिया का मैं सर्वे कराने का मकसद ये था कि यहाँ पर काफ़ी शिकायतें आ रही है बुखार और सर्दी खांसी की। तो पहला हमारा ये रहेगा काम कि जैसे ही सर्वे में हमको सिम्टोमेटिक लोग दिखते हैं उनकी सूची बनाकर उनको अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट देके होम आइसोलेट करना हो तो वो करेंगे, अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करने लायक है तो फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। कोविड सेंटर भी अपने बागली में बनाए गए हैं, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? कोविड सेंटर हमने 3 कोविड सेंटर बनाए हैं और अभी हमारे पास 2 मरीज एडमिट हैं फिलहाल स्थिति में। हम लोग जो थोड़ा सा गंभीर व्यक्ति है उसको घर जाके संपर्क करके उसको कोविड सेंटर में आने के लिए जो है बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप आइए, डरने की जरूरत नहीं है और लोगों में अब थोड़ी सी उस चीज़ को लेके जागरूकता है, लोग हमें अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सर, ऑक्सीजन को लेकर भी कुछ परेशानियां ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है, तो इसलिए कुछ ऑक्सीजन का तो सभी जगह कमी बनी हुई है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी हमारे स्तर से जो है 15-20 सिलेंडर अभी भरवा के रखे हैं, अगर इनकेस अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उसका उपयोग करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।